हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जदिव अनेक प्रत्याशार पर 16 नवेम्बर थे विद्यालय खुलते जा गतकाल हाईकोर्टे सुब्रत घोष चौधरी बोले एक जन जनस्वार्थ मामला कर सबाई जानी जे सुदीप घोष चौधरी बोले एक जन जनस्वार्थ मामला कर तिनार जुक्ति जे समस्त 18 बच्चर उपरे टीका देवा जिनारा छोटो एवं छात्र एवं छात्री जरा विद्यालय जाए तारा केउ किन्तु एखोनो पर्यन्त करोनार एकटा भैक्सिनो पायनी। तो डबल भैक्सिन तो अनेक दूरेर कथा, ता एकटा भैक्सिन ना दिएओ विद्यालय खोला होच्छे कोन जुक्ति दिए? तो एई निये गतकाल हाईकोर्टे सुदीप घोष चौधरी एकटि जनस्वार्थ मामला करेछेन एवं जाटा आगामी बृहस्पतिवार ये मामलार शुनानी होते पारे बा शुनानी होबे। तो आगामी बृहस्पतिवार पर्यन्त आमादेरके वेट करते होबे जे हाईकोर्ट यही परिस्थितिते कि निर्देश दे बा जनस्वार्थ मामलार परिप्रेक्षिते विद्यालय बंदेर सुपारिश करें नाकि विद्यालय कोनो विकल्प पद्धति नेन छाड़ा जानार जन्य आमादेरके बृहस्पतिवार पर्यन्त आमादेर अपेक्षा करते होबे। एवं सुदीप घोष चौधरी हाईकोर्टे आरो एकटि हलफनामा दिए बोले जे एक मेडिकल दक्ष मेडिकल टीम करा उचित जे दक्ष मेडिकल टीम तिनारा आबहे विद्यालय खोला जाबे किना बा विद्यालय खोला ठीक किना छात्र छात्रीरा विद्यालय आसबे किना एले थार्ड वेव कतटा इम्पैक्ट पड़बे एई निये तिनी हाईकोर्टेर काछे आर्जी करेछेन जे एक एक्सपार्ट मेडिकल टीम तैरि करा होक जे मेडिकल टीम रिपोर्ट देबे एबं सेई रिपोर्टेर परिप्रेक्षिते स्कूल खोला जाबे किना से विषय सिद्धांत नेवार जन्नो। तो फ्रेंड्स, तहले आमादेर बृहस्पतिवार पर्यन्त अपेक्षा करते हबे जे हाईकोर्टे जनस्वार्थ मामला जिनि करेछेन सुदीप घोष चौधरी जे एई आवहे कोनोभावेई विद्यालय खोला सम्भव नय। तो हाईकोर्ट कि देय, हाईकोर्ट शिक्षार जन्य 16 नवेम्बर थेके जे पश्चिमबंग मध्यशिक्षा पर्षदेर जे प्रस्तावित निर्देश जे 9:30 थेके क्लास चलबे 3:30 पर्यन्त आबार 10:30 থেকে 4:30 পর্যন্ত যে নির্দেশিকার প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের উপর সিলমোহর দেয় হাইকোর্ট, নাকি এখন এই আবহে বিদ্যালয় কিছুটা খোলা বন্ধ থাকবে বা বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনই আবার অনলাইনে ফিরে যেতে হবে অফলাইন ছাড়া, তার জন্য আমাদেরকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কি হলো তার রিপোর্ট জানার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। চোখ রাখুন আমার চ্যানেলে প্রতিদিন বিকেল 4:09 উৎস শ্রেণীর প্রতিটা প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ উত্তর পাওয়ার জন্য। আজ এই পর্যন্ত, ভালো থাকুন, হ্যাভ এ গুড ডে, থ্যাংকস।